आज हम बात करेंगे बिहार के सोनू कुमार की। हाँ, वही लड़का बिहार के सोनू कुमार की। आप लोगों ने इंटरनेट पे उसके बारे में, उसकी वीडियो, काफी सारे वीडियो देख लिए होंगे। आपने सोनू कुमार के बारे में मीडिया में सब कुछ पहले से जानते हैं। वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, तो लोगों ने, मीडिया वालों ने, यूट्यूबर ने सोनू कुमार की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब एक कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। डेली सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे, कहीं हर जगह आप सोनू कुमार के वायरल वीडियो देख रहे हैं। कहीं कोई मीडिया वाले उसे डांट रहे हैं, कोई उसे प्यार कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। मैं सबसे पहले सोनू कुमार के बारे में बता देता हूँ, आपको पता होगा, फिर भी आप एक बार और सुन लीजिए, फिर मैं आपको नहीं बातें रखूंगा। सोनू 11 साल का बिहार के नालंदा जिले के नीम कौली गांव का रहने वाला है। सोनू 14 मई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर अपनी पढ़ाई का बंदोबस्त करने की अपील की थी। ये वही सोनू है जिसने आरजेडी नेता और हसनपुर से विधायक श्री तेज प्रताप यादव को वीडियो कॉल पर बताया था कि वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते हैं। सोनू के पिता शराब पीने के लगते हैं, इसलिए वो जो भी कमाते हैं वो शराब में पी जाते हैं, शराब पी जाते हैं, इसलिए उसे स्कूल जाने में दिक्कत होती है। इसीलिए उसने, सोनू ने मुख्यमंत्री जी का जब दौरा हुआ वहाँ पे जाके उसकी हिम्मत दुख के देखे कैसे उसने अपनी गुहार लगाई। ये कोई आम बच्चा नहीं है, जो कि आप सोच रहे कोई बच्चा तो 11 साल के 12 साल का बच्चा तो इनके सामने बोलने में भी डरता है, और वो सोनू कुमार 11 साल का बच्चा है, वो डरा नहीं, मुख्यमंत्री के सामने अपनी गुहार लगाई, अपनी जिससे जो प्रॉब्लम हो रही है वो उसे पढ़ना है, वो पढ़ना चाहता है। लेकिन जब से वो मीडिया में आया और सनसनी हुआ, तब से सारी मीडिया, चाहे कोई भी न्यूज चैनल हो, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, सब उसका मिसयूज उठा रहे हैं। सब सोनू कुमार के पास गया, हर न्यूज वाले जाते हैं वहां पे, उससे बात करते हैं, अपना टीआरपी बढ़ाते हैं, अपना यूट्यूब व्यू बढ़ाते हैं। आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, हजारों वीडियो आ चुके हैं सोनू कुमार के, लेकिन हजारों के हजारों अलग अलग मीडिया चैनल, यूट्यूबर, सब सारे आ रहे हैं, सब जाते हैं उसके घर पे। कोई मदद नहीं कोई कर रहा है, मदद करने के नाम पर कोई नहीं जाता। अगर आप जा रहे हो मीडिया वाले, कोई मदद करने जा रहे हो, कोई भी एक भी मीडिया वाले आप पूछ लीजिए जाके, कोई उसका मदद नहीं कर रहा है, सब अपने फायदे के लिए जा रहा है। अगर मीडिया वहां पे जा रहा है तो देखा कि सोनू कुमार फेमस हो गया तो उसके पास जाऊंगा, तो लोग सोनू के देखने के नाम पे मेरा टीआरपी बढ़ जाएगा, मेरा व्यू बढ़ जाएगा। वो पत्रकार सोनू कुमार के यहाँ जाके डांटने लगता है, झगड़ा करने लगता है। वो तो छोटा बच्चा है, उससे प्यार से बात करोगे, तुम उससे डांटने की बात करोगी, झगड़ा कर रहे हो, बदतमीजी के साथ बात किया जाता है, क्या ये पत्रकारिता है? आप खुद देख लीजिए वीडियो में कैसे वो डांट रहा है, कैसे पत्रकारिता कर रहा है, ये पत्रकारिता कहाँ से आ गया? वो तो पढ़ रहा है, उसने पढ़ने के लिए गुहार लगाई, तुम तो लग रहे हो पढ़े लिखे भी नहीं हो, कहाँ से आ गए हो? बिना पढ़े लिखे लोग वहाँ पर पत्रकारिता करने के नाम पर और अपने पैसे कमाने के लिए सोनू कुमार के घर पे जाके उसको परेशान करने लगे हैं सारे के सारे लोग। 29 तारीख हो गए, 29-30 तारीख है आज मैं वीडियो डालूंगा, 14 तारीख को मुख्यमंत्री के सामने वो गुहार लगाया था। इस 10-12 दिनों में अगर कोई इसे सहायता हेल्प करना चाहता तो उसकी सच में ईमानदारी से दिल से कोई उसकी मदद करना चाहता तो उसकी कहीं ना कहीं एडमिशन हो गई होती, कहीं ना कहीं वो स्कूल में होता, वो कहीं किसी हॉस्टल में रहता, वो पढ़ रहा होता, लेकिन कोई नहीं, सब अपने नाम चमकाने के लिए, सिर्फ अपने फायदा के लिए उसके पास जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे अपने टीवी चैनल पे डालते हैं और उसकी टीआरपी बढ़ाते हैं। 14 दिनों में किसी ने उसकी मदद की है? सारे जाते हैं कि हाँ मैं इसका पढ़ाई लूंगा, जो भी उसके पास जाता है या दूर से ट्विटर पर कहीं से भी, सब यही कहता है कि मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा, मैं नाम लिखाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फलाना ठिकाना सब कुछ। भी जमीनी हकीकत यही है कि अभी तक उसे कुछ फायदा नहीं हुआ, अगर फायदा होता तो वो घर में नहीं आता, वो किसी अच्छे हॉस्टल में होता, अच्छे स्कूल में होता। इस तरह हर कोई भी यूट्यूबर बन के जाके वहाँ पे उसका इंटरव्यू नहीं ले रहा होता, उसे डांट नहीं लगा रहा होता। ये हमारी कमी से हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या देख रहे हैं। हम उस सोनू कुमार के दुख को देख रहे हैं कि उसे इंटरटेनमेंट ले रहे हैं? लोग सोनू कुमार को देख के इंटरटेन हो रहे हैं, ना कि उसकी प्रॉब्लम को कोई सोल्यूशन निकाल रहा। हर कोई इंटरटेनमेंट कर रहा है, सिर्फ अपने 2 मिनट खुशी के लिए। अरे सोनू कुमार रो रहा है, अरे सोनू कुमार हंस रहा है, अरे सोनू रो रहा है, सोनू गिर गया, सोनू को डांट रहा है, देखिए कैसे क्या कर रहा है, और हम वीडियो देख लेते हैं और इंटरटेन हो जाते हैं, बस बंद खत्म। कोई उसकी मदद नहीं करने जा रहा है, कोई भी ये नहीं करने जा रहा है कि हाँ सोनू तुम चलो, तुम्हारा एडमिशन हो गया है, तुम इस हॉस्टल में रहोगे, अब तुम अपने घर पे नहीं रहोगे, तुम पढ़ाई करोगे। वो तो बच्चा है, उसे ना समझ है, वो कुछ भी बोल देगा, उसे गुस्सा में आता है रोने लगेगा, बात करने लगेगा, कुछ भी कर देगा। लोग उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए मैसेज कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं या मीडिया में आके बोल रहे हैं कि मैं उसका जिम्मेदारी लूंगा, मैं करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मेरे यहाँ फ्री सब कुछ फ्री। तो किसी ने उसे अपने यहाँ रखा?
किसी ने बोला कि हाँ आज से तुम्हें घर नहीं जाना है, यही हॉस्टल में रह के पढ़ोगे। उसके घर के आसपास ही कोई स्कूल या बिहार में पटना में कोई भी बड़ी स्कूल, किसी ने उसे की मदद के लिए घर पहुंचा? कोई उसकी मदद नहीं पहुंचा। सब उसका फायदा ही उठा रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा है। आज की दुनिया में सब के सब जितने भी हैं, सब सिर्फ और सिर्फ चील हैं, सिर्फ सब के सब चील हैं, सिर्फ मांस खाना चाहते हैं। सब चील की तरह उस पर नोच रहा है, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। बेचारा इतना मेहनत करके, इतनी हिम्मत दिखा के मुख्यमंत्री के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना की मुझे स्कूल में नाम लिखा दो, मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? वो भी अभी तक कुछ नहीं कर पाए। बस हो गया अपने ऑफिसर को, ऑफिसर तो होते ही कैसे होते हैं आप सब जानते ही। मैं क्या बोलूँ ऑफिसर के बारे में, क्या बोलूँ, आप सबको पता है कि क्या होते हैं। बोल दिया कुछ, कोई ऑप्शन मिलने आया ना, कुछ किया, अब पता नहीं मिलने आया नहीं आया, क्या हुआ कि जैसे वीडियो देख के यूट्यूब पे और मीडिया में, सोशल मीडिया में अब जैसे उस तरह के वीडियो आ रही है, उसकी वायरल हो रही वीडियो, इससे तो यही लग रहा है कि उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। अगर उसकी मदद कर रहा होता तो वो इस तरह से हर कोई उसके पास नहीं जाता, वो आज किसी अच्छे स्कूल में होता, कहीं पढ़ रहा होता, उसके पास यूनिफॉर्म होता, उसके पास बुक होता, लेकिन कुछ नहीं। आप देखिए अगर अभी भी आप जाओगे उसके गांव में, वो ऐसे ही घूम रहा है, ऐसे ही इधर भटक रहा है। कोई मीडिया वाला आता है उसको, उसके बात करता है, अपना व्यू चैनल बनाता है, अपना टीआरपी बढ़ाता है और चला जाता है, उसका कोई मदद नहीं कर रहा है। तो अगर मदद हो रहा है तो घर पे क्यों बैठा हुआ है? अगर कोई मदद कर रहा है, मदद नहीं ले रहा है, तो ये गलती उसकी है, उसके माँ बाप की है कि भाई तुम्हारे मदद मिला उसको स्कूल भेजो, हॉस्टल भेजो। इस तरह से किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में हो रहा है। कृपया करके उस बच्चे का मिसयूज ना करें, उस बच्चे से अपनी कमाई के लिए अपनी टीआरपी न बढ़ाएं, अपने व्यूज न बढ़ाएं, आप उस बच्चे की मदद करें। वो उतना इतना बालिग नहीं है, इतना समझदार नहीं है कि वो क्या बोले इस मीडिया में, क्या बोलेगा नहीं बोलेगा। इसलिए आप लोग समझदार हैं, मीडिया वाले, यूट्यूबर, आप सभी समझदार हैं, तो आप लोग उसका मदद करें, न कि उसका मिसयूज करें। इस तरह से आप उसके साथ डांटें या किसी तरह का गलत व्यवहार मत करें। इतने लोग सब कह रहे कि मैं मदद करूंगा, एक बंदा चाहे तो वही उसका काफी मदद कर सकता है। उसके कपड़े देख लीजिए, अगर उसको कोई मदद मिल रही है तो उसके कपड़े देख लीजिए, उसका घर देख लीजिए, उसका घर का आसपास का माहौल देख लीजिए। मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई उसकी मदद कर रहा है, जैसे उसको, मैं तो गया नहीं हूँ वहाँ पे, मुझे न उससे बात हुई है, लेकिन जैसे वीडियो में दिख रहा है, जिस तरह से उसकी वायरल वीडियो हो रही है, उससे इससे तो यही लग रहा है कि उसकी कोई मदद नहीं अभी तक हुई है। प्लीज प्लीज उसकी हेल्प करें, किसी गरीब की हेल्प करें। अगर वो बच्चा पढ़ना चाहता है, पढ़ने के लायक है, तो उसकी हेल्प करें, ना कि उसकी मिसयूज करें। थैंक यू वेरी मच। बात अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।